नमस्कार, आपका स्वागत है कंप्यूटर वाले में। आज मैं बात करने वाला एक बढ़िया से टॉपिक के बारे में, और वो कौन सा है आपको पता ही, एमएस वर्ड के अंदर। और दोस्तों, बढ़िया से टॉपिक के अंदर एक आता है कि माना कि आपने सीवी या रिज्यूम बना दिया, उसके अंदर मेरे को फोटो लगाना। क्या लगाना? फोटो। लेकिन फोटो सेट नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? फोटो सेट नहीं हो रहा। तो हम फोटो उसके अंदर कैसे लगाएं, फोटो को हम कैसे लाएं, और वो हम कैसे करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं, आपको एमएस वर्ड के अंदर लेके जाते हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि इंसर्ट के अंदर पिक्चर का जो टॉपिक है वो हम कैसे इंसर्ट करें, किसी का भी फोटो हम पैराग्राफ के अंदर कैसे इंसर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, एमएस वर्ड के अंदर आना और इंसर्ट टैब को ओपन करना। जैसे इंसर्ट टैब ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा पेज और टैब, ये हमने पहले पीछे वीडियो में देख रखे। अगला है इल्यूट्रेशन। इल्यूट्रेशन का अर्थ होता है चित्रण। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सिर्फ एक पिक्चर को, इसके द्वारा हम किसी भी पैराग्राफ के अंदर फोटो डाल सकते हैं, या कोई ऐसा आपने डिजाइन दे रखी है अलग डिजाइन भी रख सकते हैं, या फिर किसी का भी पैम्पलेट रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहो इसके अंदर फोटो या पिक्चर के द्वारा हम रख सकते। तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले आपको क्लिक करना पिक्चर पे। पिक्चर पे क्लिक करेंगे आप तो आपको मिलेगा ऑप्शन बहुत सारे, यानी कि इस प्रकार के ऑप्शन बहुत सारे मिले। इनमें से जो भी आपको फोटो इसके अंदर इंसर्ट करना है वो फोटो आप यहां से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहां से कोई भी फोटो ले लेता हूं, ये वाला, ये मैंने फोटो लिया, ये पैराग्राफ के अंदर आ चुका। लेकिन ये फोटो बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा। इसकी साइज को छोटा करना है तो आप यहाँ से पकड़ कर भी इसकी साइज को कम कर सकते, यानी डिक्रीज और इंक्रीज भी इसको हम कर सकते हैं। जहाँ माउस का कर्सर है वहाँ फोटो आपका आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो ये फोटो चाहिए सबसे ऊपर। कहाँ चाहिए? सबसे ऊपर। तो आपको जैसे ही फोटो इंसर्ट करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर। अब आपको कुछ नहीं करना, कहीं पर भी नहीं जाना, डायरेक्टली अगर आपको पोजीशन इसकी चेंज करना है तो आप जाओ इस पोजीशन के अंदर, जो कि इस प्रकार को दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना, जो पोजीशन आपको चाहिए वो पोजीशन यहाँ से ले सकते, और जैसे ही हम इसको पोजीशन को लेंगे वो फोटो तुरंत ऊपर चला जाएगा, यानी कि पैराग्राफ के सबसे फ्रंट भाग वाले पेज के अंदर चला जाएगा। जैसे कि मेरे को रखना ये वाला तो ये ले लेते हैं, ये रखना तो ये ले लेते हैं, जो भी रखना वो आप यहां से ले सकते। जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूं, ये लेने के बाद आप पेज को ऊपर करेंगे, जैसे पेज को ऊपर करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा इस प्रकार का ये फोटो, यानी कि साइड में आ जाएगा। अब माना कि ये मेरे को पोजीशन पसंद नहीं है, चेंज करना है, तो फॉर्मेट के अंदर जाओ, दोबारा पोजीशन पे क्लिक करो। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस प्रकार भी कर सकते हो, बीच में रखना तो बीच में भी कर सकते हो, और बीच पेज के साइड में रखना तो भी रख सकते, बीचों बीच रखना चाहो तो भी आप रख सकते, यानी कि आप जिस प्रकार फोटो को रखना चाहते हो उस फोटो को अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे कि ये वाला तो इधर रख दो, सबसे नीचे रखना तो सबसे नीचे रख लो, तो सबसे नीचे चला जाएगा। माना कि मेरे को सबसे ऊपर चाहिए यहां पर, तो पोजीशन में जाओ और यहाँ से ये ले लो, यानी कि ये फोटो पैराग्राफ के सबसे ऊपर वाले भाग में आ जाएंगे। जिस पैराग्राफ के अंदर फोटो है उस पैराग्राफ के अंदर ऊपर वाले भाग में ये फोटो आ जाएगा। यदि मेरे को इसका शेप चेंज करना है तो आपको यहाँ पर पिक्चर स्टाइल भी दे रखी, यहाँ से स्टाइल को भी चेंज कर, जैसे ये रखो, जो भी रखना वो आप यहाँ से तुरंत चेंज कर सकते। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, इनमें से जो भी आपको लगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते। माना कि मेरे को ये पसंद है तो ये ले लो, ये पसंद ये लो, जो भी आपको पसंद है यहाँ पर स्टाइल वो आप चूज कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे कि मैंने ये कर दिया, ये करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा पिक्चर बॉर्डर, जो भी आप बॉर्डर चाहते हो वो बॉर्डर ले लो, यानी कि इसके चारों ओर बॉर्डर आ जाएगी। और इफेक्ट क्या डालना वो इफेक्ट यहाँ से डाल दो, जैसे कि यहाँ वाले 3D है, बिलेवल है, सॉफ्ट है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, शेडो है, जो भी आपको चाहिए, यानी कि आप दे सकते हैं कि मेरे को 3D देना तो 3D में दे सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला 3D, तो इस प्रकार का तिरसा ये हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर का लेआउट, कौन सा लेआउट रखना वो आप यहाँ से लेआउट भी रख सकते हैं इस प्रकार का, यानी कि इसके अंदर माना कि मेरे को कुछ और लिखना है तो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो अपने अनुसार, यानी कि आप पिक्चर को इस प्रकार भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, समझ में आया होगा कि आप किस टाइप में, किस तरीके से फोटो को कहाँ रखना, कैसे रखना, सब आराम से रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्चर हो गया, पिक्चर दूसरी चेंज करना, दूसरी ले आओ, यहाँ से इसको हटा दो, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लो, और जहाँ पोजीशन चाहिए उस पोजीशन में इस फोटो को रख सकते हैं। और दोस्तों, इंसर्ट का ये वीडियो पिक्चर का अच्छा लगाओ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं बता दूंगा कि ये
जितना भी वर्ड के टॉपिक हो सब के सब एक एक करके सब के टॉपिक के वीडियो आएंगे। तब तक बने रहना इसी चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम।